उदयपुर जिला कलेक्टर ने बुधवार को मुखर्जी चौक स्थित सब्जी मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंडी के बाहर वाली सड़क पर बैठे व्यापारियों को सब्जी मंडी के अंदर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने नगर निगम के अधिकारियों व व्यापारियों से संवाद किया। निरीक्षण के दौरान महापौर जीएस टाक, नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश, उपमहापौर पारा सिंह सहित निगम के कई अधिकारी मौजूद रहे। उपमहापौर सिंह ने बताया कि 50 लाख रुपए की लागत से सब्जी मंडी का निर्माण हुआ है, जिसमें 250 व्यापारियों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि मंडी में लाइसेंस व्यापारी 150 ही है। वहीं स्थानीय पार्षद डॉक्टर शिल्पा बामेचा ने भी कहा कि खुदरा व्यापारियों के हित में निगम ने बड़ी मेहनत से सब्जी मंडी को तैयार किया है, ऐसे में व्यापारियों को मंडी के अंदर ही शिफ्ट करवाना चाहिए। बामेचा ने कहा कि मंडी में साफ सफाई और लाइटिंग की जरूरत है। इस पर कलेक्टर ने निगम के अधिकारियों को सब्जी मंडी की व्यापक सफाई, लाइटिंग और लाइनिंग करवाने के निर्देश दिए। वहीं उप महापौर पारस सिंह ने कहा कि जल्द ही व्यापारियों के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर सब्जी मंडी शिफ्ट करने पर विचार विमर्श किया जाएगा।